पेट के ठीक रहने पर हमारे संपूर्ण शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। पाचन तंत्र से आहार का पाचन होकर रस एवं रक्त की उत्पत्ति होती है और फिर उसी रक्त से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। जी हाँ, आसनों को लगाने से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में लाभ पहुँचाया जा सकता है और पाचन तंत्र को ठीक रखते हुए अपने हृदय को स्वस्थ रखा जा सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अजय शर्मा ने बताया कि योग में बहुत सारे आसन पेट संबंधी विकारों को ठीक रखते हैं। उनमें से एक आसन है योग मुद्रासन, जिस आसन के द्वारा पेट की जठराग्नि को प्रदीप्त किया जा सकता है और गैस कब्ज आदि बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। योग मुद्रासन से पैंक्रियास को क्रियाशील करके मधुमेह को नियंत्रित करने में अत्यधिक लाभकारी है। इस आसन का अभ्यास 3 से 5 बार रोजाना जरूर करना चाहिए। योग मुद्रासन एक ऐसा आसन है जिससे पेट संबंधी विकार दूर होने लगते हैं और पाचन तंत्र तंदुरुस्त होता है, इसलिए इस आसन का अभ्यास सभी को जरूर करना चाहिए। शुरू में यदि आसन संपूर्ण पदासन में नहीं होता है तो अर्ध पदासन लगाकर इसका अभ्यास करें और पूर्णता की ओर जाते हुए संपूर्ण पदासन के साथ इस आसन को लगाएं। यह आसन बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके लिए लाभप्रद है, अतः इसका अभ्यास सभी जनों को जरूर करना चाहिए। सभी को नमस्कार। आज हम जिस आसन को करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है योग मुद्रासन। और योग मुद्रासन एक बहुत अच्छा आसन है। इसमें हम ऐसी मुद्रा में चले जाते हैं जिससे पूरी बॉडी जो है हमारा, खासकर हमारा पेट, हमारी पैनक्रियास, उसके लिए बहुत लाभप्रद रहता है ये आसन। तो इस आसन को करना कैसे है? हम पद्मासन में अर्ध पद्मासन में बैठ करके इस आसन को करते हैं और इस आसन का जो संपूर्ण लाभ है वो हमें मिलने लगता है। आइए करते हैं योग मुद्रा आसन। कैसे करना है? सबसे पहले हम इस मुद्रा में ऐसे बैठ जाएंगे, जो कहते हैं स्टार्टिंग में हम जब इस मुद्रा में जाते हैं तो उसके करने के लिए हम अपने दोनों टांगे हमने ऐसे खोल दी और इसको इस तरीके से अर्ध पद्मासन में पहले बैठेंगे। इसको नीचे से लाए ऐसे, इस तरीके से। अब जैसे हम इस मुद्रा में बैठ गए तो इस मुद्रा से बैठने से ही हमारी जो कमर है, हमारी जो गर्दन है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही एक स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, सीधी हो जाती है। तो अब करना क्या है, अब थोड़ा सा थोड़ी सी इसकी क्रिया कर लेते हैं। इसको करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिया, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें ऐसे और आगे झुके ऐसे, फिर पीछे, फिर आगे। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए किसी भी आसन को करने के लिए, या फिर हम इस तरीके से पीछे की तरफ को मुड़ करके अपनी बॉडी को इस तरीके से रख सकते हैं, दोनों हाथ पीछे, फिर दोबारा से और फिर ऐसे, इस तरीके से करें। तो इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी का लाभ है जो हमें मिलने लगता है। अब करना क्या है, सबसे पहले दोनों हाथों को ऐसे उठाएं, अपनी नाभि पर इस तरीके से रखें, बाएं हाथ को नीचे रखा था इस नाभि के ऊपर और दाहिने हाथ को इसके ऊपर रख लिया, लंबा सांस लिया और लंबा सांस लेते ही हम आगे झुकेंगे और हमारी जो ठोड़ी है वो जमीन पर लगनी चाहिए और उसमें रुकना है हमने काउंटिंग करते हुए 5 बार ऐसे। लंबा सांस लें, ऐसे इस तरीके से आगे झुकें और इस तरीके से इसको करें। इसके पश्चात हम इस आसन को ऐसे आपने लिया और इसको हमने अब संपूर्ण पद्मासन लगा दिया इस तरीके से। जब संपूर्ण पद्मासन आप का लग गया तो हमारी जो अब इसमें एक्टिव हो गए हमारे जो थाई पार्ट है, पिंडलियां हैं, घुटने हैं, वो भी एक्टिव हैं। अब दोबारा से इस आसन को कैसे करेंगे, अपने नाभि पर बाएं हाथ को रखा, दाहिने हाथ को इसके ऊपर रख दिया और लंबा सांस लेकर के ऐसे,
इस तरीके से इसको करें तो इसका लाभ जो है वो हमें ऐसे मिलने लगता है। अब हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब इस आसन को हम पीछे से कैसे करना है, आप इस तरीके से द्वारा से बैठे पद्मासन लगा करके, और जैसे पद्मासन लगा दिया कमर गर्दन हमारी सीधी हो गई, और उसके पश्चात हाथों को हमने इस तरह से टाई अप करना है ऐसे पीछे की तरफ को ऐसे, और मेरे साथ आप इस आसन को दोहराएंगे। लंबा सांस लिया, इस आसन से फिर हम बाहर आ गए। तो इस आसन का अभ्यास, क्योंकि योग मुद्रा आसन है, हमारे पेट के लिए बहुत लाभप्रद है, हमारे जो बैंड किया है उसके लिए बहुत लाभप्रद है, इसका संपूर्ण लाभ लें और इस आसन को जरूर करें। सबको मेरा नमन। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।